श्रावण मासानाम उत्तमे मासे श्रावण मास कहा जाता। सभी मासों में श्रावण मास का एक अलग विशेषता, वर्षा ऋतु खेती के लिए भी बहुत विशेष, अनाज उपज के लिए श्रावण मास का कहते हैं। जितने जलाशय सब पूर्ण हो जाते, सर्व मनोरथ सिद्धि मास कहा जाता श्रावण को। और क्योंकि इस श्रावण मास में चातुर्मास्य का भी विशेषता रहता है, श्रावण मास में विशेष भगवान शिव के पूजन का भी विशेषता रहता है। इसी संदर्भ में अगर इस बार ये श्रावण मास में भगवान श्री हनुमत आराधना करते हैं, हनुमान जी के कुछ कुछ विशेष कर ऐसे पूजन और उपाय हैं जिन्हें अगर भक्त लोग पालन करें तो जीवन सार्थक हो जाता है, सर्व सिद्धि मिल जाती है। ऐसे कुछ कुछ उपाय शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इस श्रावण मास में मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमत मंदिर में 5 दीपक मंगलवार के दिन घी का, शनिवार के दिन तिल के तेल का अवश्य जलाएं। सुख समृद्धि के लिए रात्रि सोने के पूर्व लगभग 8 बजे 9 बजे के समय में हनुमत मंदिर के तरफ देखते हुए, ध्यान करते हुए सरसों का तेल मिट्टी के दीपक में डाल करके अगर हनुमान जी को दिखाते हैं, जलाते हैं तो विशेषकर श्रेयस्कर होता। उसके अलावा एक नारियल जिस पर सिंदूर लगा करके मौली धागा सहित थोड़ा अक्षत सहित पूजा करके उसको हनुमान जी को अर्पण करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का एक दीपक जलावे, वो भी बहुत उत्तम है। और नमामि दूतम रामस्य ये मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ पे हनुमत आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर में जा करके ध्वजा लगाने का काम करने से भी इस श्रावण मास में अत्यंत विशेष श्रेयस्कर होता है, सर्व सिद्धि सर्व कार्य सिद्धि हो जाता है। पीपल के पत्ते 11 पत्ते लेकर के साफ जल यानी गंगा जल से, कुछ शुद्ध जल से उसे धो लें। इन पत्तों पर चंदन कुमकुम से श्री राम नामक महामंत्र को लिख करके हनुमान जी को चढ़ा दें, बहुत उत्तम फल प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति का योग भी इसमें बनता है, धनलाभ का योग भी इसमें बनता है। लाल एवं पीला फूल, कमल गुलाब या गेंदे का फूल, सूर्यमुखी का फूल श्री हनुमान जी को चढ़ाने से सर्व सुख प्राप्ति होती है। ऐसा एक 8 उपाय हनुमान जी के लिए अगर करें तो जीवन सार्थक हो जाएगा और सभी जगह खुशहाली रहेगी, सभी सुखों की प्राप्ति होगी श्रावण में हनुमान जी के लिए ये उपाय करने से।